बैठक माटे जाहिर थयेला उम्मीदवार अने बादमां कांग्रेसनो हाथ छोड़नार रोहन गुप्ता हवे केसरिया करशे। कांग्रेसमांथी राजीनामुं आपनार रोहन गुप्ता केसरिया करशे। अमदावाद पूर्व बैठकमांथी रोहन गुप्ता ने कांग्रेसे उम्मीदवार जाहिर कर्या हता, जो के बादमां तेमना पिताए पक्षमांथी राजीनामुं आप्युं, जे बाद रोहन गुप्ताए पितानी मांदगीनुं कारण आगळ धरी चूंटणी न लड़वानी जाहेरात करी अने बादमां कांग्रेसमांथी पण राजीनामुं आपी दीधुं अने हवे ए वात सामे आवी रही छे के ते बीजेपीमां जोडाशे। तो हाथ छोड़ी चुकेला रोहन गुप्ता हवे बीजेपी में जोड़ाशे। जो के ज्यारे तेओए कांग्रेस ने बाय बाय कर्यु त्यारे आ प्रकारनी अटकळो लागती ज हती अने कांग्रेस ना जे नेताओ छे तेओ पण क्लियर करी चुक्या हता के तेओ बीजेपी में जोड़ाशे ज। जो के जे लोको जई रह्या हता ते लोको माटे कांग्रेस ने कोई प्रकारनुं दुख न हतुं, कोई पण प्रकारनी निराशा न हती। तेमनुं कहेवुं हतुं जे जाय छे तेने जवा दईए छे। तो अगाउ कांग्रेसमांथी राजीनामुं आप्युं हतुं, परंतु ए पहेला ज्यारे लोकसभानी चूंटणीनी जाहेरात थई त्यारबाद कांग्रेसे अमदावाद पूर्व बैठक परथी तेमणे उमेदवार जाहेर कर्या हता। तेना थोड़ा समय बाद ज तेमणे पितानी मांदगीनुं कारण आगळ धरी अने तेओए चूंटणी लड़वानी ना पाड़ी अने त्यारबाद तेओए राजीनामुं आप्युं हतुं। तो सीधा दृश्य ज अमे आपने बतावी रहा छे, रोहन गुप्ता बीजेपी में जोड़ाशे अने तेओ जो के पहले थी कांग्रेसे तो क्लियर ज कर्यु हतु के ते बीजेपी में जई रहा छे। तो पिता पण तेमना कांग्रेसना नेता हता, पहला पिताए राजीनामुं आप्युं त्यारबाद पितानी मांदगीनुं कारण आगळ धर्युं अने त्यारबाद तेओए कांग्रेसने पण बाय बाय टाटा करी दीधुं। तो कांग्रेस सोशल मीडियाना तेओ हेड पण रही चुक्या छे। कांग्रेसमां 11 आईटी सेलना अध्यक्ष पण तेओ रही चुक्या छे। तो कांग्रेसमां रहीने पण मोटी जवाबदारी तेओ निभावी चुक्या छे। तो नेशनल चेनलमां तेओ प्रवक्ता तरीके पण काम करी चुक्या छे कांग्रेस तरफथी अने हवे तेओ भाजपना मंच उपर जोवा मळी रह्या छे। तो बीजेपीमां जोडाई रह्या छे रोहन गुप्ता। तो सीधा लाइव दृश्य पण अमे आपने बतावी रह्या छे। कांग्रेस आईटी सेलना अध्यक्ष रही चुक्या छे, नेशनल चेनलमां प्रवक्ता तरीके तेओ वारंवार आ चेहरो आपने जोवा मळ्यो हतो, परंतु हवे कदाच बीजेपीमां पण जोवा मळे। तो आंगे वधु अपडेट मेळवीशुं संवाददाता प्रणव पासेथी। जी प्रणव, कांग्रेसने जे खबर हती एटले के कांग्रेस पहेला ज कही चूकी हती के कांग्रेसमांथी तो जई रह्या छे अने हवे जशे तो बीजेपीमां, ने ए ज बाबत हवे थई रही छे। સંધ્યા, ચોક્કસ, જે રીતે રોહન ગુપ્તા અને અમદાવાદ પૂર્વ બેઠકના ઉમેદવાર કોંગ્રેસ પાર્ટીએ જાહેર કર્યા ત્યારબાદ જ એક નવો વિવાદનો વંટોળ છે તે કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં ઉભો થયો હતો। તેને રોહન ગુપ્તાએ પણ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે અનેક કોંગ્રેસના જે નેતાઓ છે તે મને પરેશાન કરી રહ્યા છે, તેના કારણે હું છે આ કોંગ્રેસ પક્ષ છોડી રહ્યો છું। તેમના જે પિતા છે તે પણ કોંગ્રેસના સિનિયર નેતા છે, તેને પણ રાજીનામું આપ્યું, તે પણ હોસ્પિટલમાં હાલ દાખલ પણ છે, તેની સારવાર પણ ચાલી રહી હતી। ચોક્કસ એ માની શકાય કે તેઓનો એક લક્ષ્ય હતો કે કોંગ્રેસ પાર્ટી છોડે ત્યારબાદ કયો પક્ષ, તો તે પક્ષ હતો ભારતીય જનતા પાર્ટી। કારણ કે કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં તેઓ રહ્યા, તેઓને અનેક વિશેષ જવાબદારી રક્ષાની પણ કોંગ્રેસ પાર્ટી આપી હતી, તેઓ સોશિયલ મીડિયાના સમગ્ર ભારતના તેઓ ઇન્ચાર્જ હતા। ત્યારબાદ તેઓએ કોંગ્રેસ પાર્ટીના જે પ્રવક્તા છે તે પ્રવક્તાઓ તેઓને બનાવવામાં આવ્યા હતા। અને આ દશમાં જોઈ શકાય છે કે કઈ રીતે આજે કોંગ્રેસ પાર્ટી એના જે પૂર્વ નેતા હતા એ રોહન ગુપ્તા આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યાલય ઉપર પહોંચી ગયા છે અને થોડી જ ક્ષણોની અંદર સત્તાવાર રીતે તે કેસરિયો ધારણ છે તેઓ કરશે। ચોક્કસ અત્યાર સુધી કોંગ્રેસ પાર્ટીની નીતિઓ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે ખોટી વાતો હતી તે પ્રકારની તેઓ દાવો કરતા હતા, ચર્ચાઓ કરતા હતા અને કોંગ્રેસનો પોતાનો પક્ષ છે રાખતા હતા, પરંતુ આજે હવે એ જ પક્ષમાં જ્યારે જે પક્ષની સામે ધર્મસર લડાઈ લડી રહ્યા હતા, એટલે આ દૃશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કે કઈ રીતે રોહન ગુપ્તા આજે સત્તાવાર રીતે બીજેપી નો ખેસ પણ
धारण करी लीधो छे, परंतु प्रणव आ वच्चे हजी सुधी ए नथी खबर पड़ी के नेता कोण हता जेना पर आरोप लगाव्यो हतो, अने के पछी जवुं ज हतुं एटला माटे कंईक एक आंगळी चींधवा माटे वात तेमणे करी हती। સંધ્યા, રાજનીતિમાં આપ જોયું છે ભૂતકાળમાં પણ જેટલા પણ કોંગ્રેસ પાર્ટીના ધારાસભ્યો છે તે પાર્ટી છોડે છે, જે નેતાઓ છે તે પાર્ટી છોડે, ત્યારબાદ તેઓ કોંગ્રેસ પાર્ટીની જે નીતિઓ છે તેની ઉપર સવાલો કરે છે, એ હર હમેશ આપણે જોવા મળી રહ્યું હતું। પરંતુ અહીં જે રોહન ગુપ્તા છે તેઓએ સવાલ પણ કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતાઓ ઉપર જ કર્યા હતા, કેટલાક રાષ્ટ્રીય કક્ષાના જે નેતાઓ જે છે તેને ડિસ્ટર્બ કરી રહ્યા છે તે પ્રકારનો તેઓ આરોપ છે તે લગાડી રહ્યા હતા। અને ત્યારબાદ એ પણ હતું કે જે રાહુલ ગાંધીની ગુડ બુકમાં ખુદ રોહન ગુપ્તા છે તેનું નામ હતું, પરંતુ તેમ છતાં પણ રોહન ગુપ્તા એવા કયા કારણોસર પાર્ટી છોડી છે અને કેમ કેસરો ધારણ કર્યો છે તે એક મોટો સવાલ છે। પરંતુ ચોક્કસ પ્રણવ, હવે કઈ જવાબદારી તેમને અપાઈ શકે છે શું લાગે છે, કારણ કે ચર્ચાઓ કયા પ્રકારની ચાલી રહી છે? અહીંયા આઈટી સેલમાં પણ રહ્યા, હેડ તરીકે તેમણે કામ કર્યું છે, પ્રવક્તા તરીકે નેશનલ પ્લેટફોર્મ ઉપર તેઓ કોંગ્રેસનો પક્ષ લેતા આવ્યા હતા, હવે કઈ જવાબદારીમાં તેઓ જોવા મળી શકે છે? ચોક્કસ અત્યાર સુધી એ પણ ઇતિહાસ રહ્યો છે કે જે પણ ગુજરાતની અંદર કોંગ્રેસના જે પ્રવક્તા જયરાજસિંહ પરમાર તેઓ પાર્ટી છોડે છે, કોંગ્રેસ પાર્ટી ત્યારબાદ ભાજપ પાર્ટી તેઓને સહપ્રવક્તા બનાવે છે, અન્ય પણ ઘનશ્યામ ગઢવી હોય તે કોંગ્રેસ પાર્ટી છોડે ત્યારબાદ તેઓને જે કહે છે કે લોકસભા ચૂંટણીને લઈને જે કાર્યાલય બનાવવામાં આવ્યું છે મીડિયા સેન્ટર તેઓને ત્યાં પ્રવક્તા બનાવવામાં આવે છે। એટલે ચોક્કસ રોહન ગુપ્તાનો લાભ કદાચ ભારતીય પાર્ટી કોંગ્રેસની સામે જે કહે છે કે તેના મુદ્દાઓ છે લડવા માટે જ અહીં તેઓને કદાચ પ્રવક્તા તરીકે આગળ લઈ જાય તો ચોક્કસપણે નવાઈ નહીં કહેવાય, કારણ કે તેઓ સતત ક્યાંક ને ક્યાંક ભાજપની નીતિઓ સામે સવાલો ઉભા કરતા હતા। એટલે હવે ભાજપની નીતિઓનો જે કહી શકાય કે સમર્થન કરવાનું તેઓને રહેશે અને કોંગ્રેસની નીતિઓ ઉપર હવે તેઓ સવાલ કરશે, એટલે હવે વિરોધાભાસ થશે। થોડા દિવસો પહેલા જ આજ રોહન ગુપ્તા તમામ નેશનલ મીડિયાની ચેનલો ઉપર બેસતા અને કોંગ્રેસ પાર્ટીની વાતો કરતા અને સાથે જ ભારતીય જનતા પાર્ટીની નીતિઓનો તેઓ વિરોધ કરતા હતા, પરંતુ હવે કદાચ તેનાથી વિપરીત જોવા મળશે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની નીતિઓનો તેઓ સમર્થન કરશે અને કોંગ્રેસ પાર્ટીની નીતિઓનો તેઓ વિરોધ કરશે। પરંતુ ચોક્કસ એ પણ સંધ્યા છે કે આની પહેલા પણ ગૌરવ વલ્લભ જેવા કોંગ્રેસ પાર્ટીના એ મુખ્ય જે પ્રવક્તા હતા તો સીધા પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં લઈ જઈએ। પ્રણવ, આપને સ્વાગત કરતા હું, ઉસકે પૂર્વ मैं विपक्ष के सभी नेताओं को ये पूछना चाहता हूं कि अभी विपक्ष का जो कैंपेन का स्तर है वो इस प्रकार गिरता जा रहा है कि बस्तर लोकसभा में प्रचार करते हुए मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी जी या एनडीए पर प्रहार न करते हुए अब मोदी जी मरेगा इस भाषा तक विपक्ष उतर आया है। देश चाहता है कि आतंकवादी मरे, देश चाहता है कि इस देश पर हमला करने वाले मरे, लेकिन विपक्ष कांग्रेस इस हद तक आया है और कांग्रेस अगर इसमें आया है तो आरजेडी की मिसा जी, लालू जी की बिटिया, वो तो ये कहेंगे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। अरे देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं। अब इस स्तर पर ये अगर कैंपेन विपक्ष का जा रहा है कि कोई मरने की बात कर रहा है, कोई जेल में जाने की बात कर रहा है, केरल में हमारे उम्मीदवार वी मुरलीधरन जी के काफिले पे हमले किए जा रहे हैं और साथ ही साथ केरल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लगभग 80 अघोषित बैंक खाते हैं जिसकी अभी संपत्ति का ब्यौरा उन्होंने छुपाया, जिसकी जांच चुनाव आयोग ने करनी चाहिए।
मुझे लगता है कि विपक्ष किसी भी तरह से एनडीए को 400 पार रोकने के लिए हर प्रकार का प्रयास कर रहा है, लेकिन उनके हर प्रयास में कोई ना कोई सीटें एनडीए की बढ़ती नजर आ रही है और ज्यादा होते हुए नजर आ रही है। और इसलिए मेरा राहुल गांधी और घमंडिया अलायंस को यह सवाल है, क्या आतंकवादियों को आप मारना चाहेंगे या नहीं? क्या आप भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजना चाहेंगे या नहीं? और क्या अपने बैंकों के अकाउंट्स की जानकारी आप देना चाहेंगे या नहीं? इसका जवाब घमंडिया के नेताओं ने देना बहुत जरूरी है। आज जैसे अभी संजय मयूर जी ने कहा कि रोहन गुप्ता जी जो कांग्रेस के आईटी और सोशल मीडिया के चेयरमैन रहे हैं, काफी वर्षों से सब सोशल मीडिया आईटी कांग्रेस का संभाल रहे थे, नेशनल स्पोक्सपर्सन थे, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर थे, ऐसे कांग्रेस की अलग अलग जिम्मेवारियां राष्ट्रीय स्तर पर संभालने के बाद, फिर कर्नाटक चुनाव के समय वो मीडिया इंचार्ज, तेलंगाना में वॉर रूम इंचार्ज, ऐसी कई सफल जिम्मेवारियां संभालने के बाद आज रोहन जी भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनकी पूरी क्षमताओं का उपयोग भारतीय जनता पार्टी और आने वाली सरकार में बहुत अच्छी तरह हम कर पाएंगे, ये मुझे विश्वास है। डॉक्टर जहानजेब सिरवाल वेटरनरी डॉक्टर है, यूथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्सपर्सन रहे हैं, लोकसभा कोऑर्डिनेटर रहे हैं उधमपुर लोकसभा के। पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते इनका कई बार हमने एनालिसिस देखा है, सुना है। विशेषकर जो नैरेटिव्स पब्लिक ओपिनियंस कांग्रेस पार्टी करती रही प्रयास, उसमें उनका योगदान भी रहा। ऐसे डॉक्टर जहानजेब सिरवाल जी जो कश्मीर के रहने वाले हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में उनका प्रवेश हो रहा है, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग जो आज की और है, उसमें परमपाल कौर जी जो आईएएस अफसर रही है। युवा कार्यकर्ताओं खूब ज कंटाड़ी गया है कांग्रेस की आ कार्य पद्धति थी, ए कांग्रेस नो आंतरिक विषय छे। केटली वार में लोग कहूं छे के आदर्श लोकशाही में एक मजबूत विपक्ष होवो जोईए, अने दुखनी वात तो ए छे के कांग्रेस एक सकारात्मक मजबूत विपक्ष नथी बनी शके। आ देशनी सौथी जूनी पार्टी होवा छतां एनी कार्य पद्धति एनी कार्य प्रणाली थी थाकीने जो लोग मोदीजीनी विचारधारा जे अमारी भारतीय जनता पार्टी नी छे, जे विकासवाद नी छे, जे राष्ट्रवाद नी छे, अने राष्ट्र माटे जाहेर जीवन में कहीं करी लेवा माटे ज लोको राजनीति में जोड़ाता होय छे, तो विचारधारा साथे जे पण कोई जोड़ाई रह्यु छे तो एनु अमे भारतीय जनता पार्टी तरफ थी हार्दिक स्वागत करीए छे। बेन, तेनी उपर आरोप एवो कोंग्रेस द्वारा लगाड़वामां आवे छे के ई भाजप माटे काम करता हता, भाजपना नेताओना साथे धंधाकीय संबंधो छे, અગાઉ કોંગ્રેસના જે ધારાસભ્યોને અહીંથી શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા અલગ અલગ રિસોર્ટમાં, એની માહિતી પણ તેણે લીક કરી અને ભાજપના નેતાઓને માહિતી આપી હતી, અને પૂર્વમાં જે ઉમેદવારથી તેણે પરત ખેંચીને એની પાછળ બી ભાજપના જ કેટલાક નેતાઓનો હાથ છે। અત્યંત દુઃખની વાત એ છે આજે કે જેટલી બી ભારત દેશની સ્વતંત્ર ઓટોનોમસ બોડી કહી શકાય છે, એ માન્ય સર્વોચ્ચ અદાલત હોય, સીબીઆઈ હોય, ઈડી હોય, કોઈ પણ હોય, જ્યારે એ દેશના ધારાધોરણ પ્રમાણે કામ કરતી હોય એમાં એવા નિર્ણયો આવી શકે છે જે લોકોને પર્સનલી ગમે કે ના ગમે, પણ એ નિર્ણયો જો કોંગ્રેસને ગમતા હોય તો બધું સારું છે, કોંગ્રેસ જ્યાં જીતે ત્યાં ઈવીએમ સારું છે, કોંગ્રેસના પક્ષમાં કોઈ નિર્ણય આવે મહાઠક બંધના તો પછી કોર્ટ બી સારી છે,
ઈડી બી સારી છે, સીબીઆઈ બી સારી છે, પણ જ્યાં તમે પોતે મેરે સારે પત્રકાર મિત્ર યહાં પે ઉપસ્થિત વિનોદજી, હરદીપજી, અમારી સાથી સંજયજી ઓર બાકી મેરે સાથી મિત્ર, આજ નવરાત્રી કે પાવન અવસર પર તીસરે દિન ભાજપા કી સદસ્યતા ગ્રહણ કર રહા હું, ગૌરવાન્વિત હું, ઓર એક યુવા હોને કે નાતે જો મોદીજી કા વિઝન 2047 नड्डा जी, अमित शाह जी और पूरा बीजेपी परिवार जो विजन, उनका जो सपना है देश के लिए, एक भारतीय नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं दिल में हुआ कि हमको भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए और किसी भी प्रकार की अपेक्षा के बिना सिर्फ देश के लिए कुछ करने की भावना है दिल में, उस नाते आज यहां पे मैं ज्वाइन हुआ हूं और विश्वास दिलाता हूं हमेशा ईमानदारी से 15 साल तक जो भी जहां पे मैं था, जो काम मुझे दिया गया, दिल से काम किया, कहीं दिमाग नहीं लगाया, जो भी हुआ पास्ट में मैं नहीं जाना चाहूंगा, अब नई इनिंग आज शुरू कर रहा हूं पॉजिटिविटी से, जो भी काम दिया जाएगा देश की विजन के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, वो काम मैं दिल से करूंगा। साथ ही कई सवाल ये आते हैं कि 15 साल और मेरे पिताजी 40 साल से कांग्रेस पार्टी में थे, हर बार सवाल उठाए जाते थे, हम भी प्रवक्ता थे, हम भी उठाते थे, पर जब आदमी खुद उस चीज में से निकलता है तब ये होता है कि सिर्फ लालच से आदमी नहीं छोड़ता है, जब स्वाभिमान की बात आती है, हम जैसे लोग राजनीति में कुछ लेने नहीं आए, हम सेवा करने आए। मैं सालों से बचपन से आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैंने खुद ने मेरा बिजनेस किया, एक परिवार से हूं, एक व्यापारी परिवार से हूं, कभी किसी की ये हिम्मत नहीं है कि कह जाए कि चवन्नी भी पॉलिटिक्स से, कभी हमने वो अपेक्षा नहीं रखी, कुछ कुछ ना कुछ देना है, पार्टी को कुछ देना है। और 40 साल से मेरे पिताजी हो या 15 साल से मैं हूं, ये सब लोग जानते हैं, जो भी हमारे करीबी हैं, कुछ अपेक्षा के बिना पार्टी में दिल से काम किया। पर जब ये लगने लगा कि एक ऐसी पार्टी जो विचारधारा की हम बात कर रहे हैं, और विचारधारा के दो मुख्य बिंदु, कोई भी पार्टी हो देश में, भारत देश में विचारधारा के दो मुख्य बिंदु है, एक राष्ट्रवाद की बात हो या एक सनातन धर्म के रिस्पेक्ट की बात हो, ये हर भर भारतीय के दिल में है। जब ये लगने लगा लास्ट 1.5 साल से कि दोनों मुद्दों पे जो पार्टी की मुख्य जो ओरिजिनल विचारधारा थी उसे बिल्कुल भटकने की बात चलेगी, लेफ्टिस्ट की तरफ चलेगी, हम भी प्रवक्ता थे, हम भी कई बार डिफेंड करते थे, आज मैं सैनिक था, करता था, पर मन से दुख होता था कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग। आज हम राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आज आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ऑर्डर का सम्मान करते हैं, आप क्यों नहीं जाएंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, कोई नहीं जाने की कोई बात नहीं थी। तो जब तक विरोधाभास रहेगा विश्वसनीयता नहीं रहेगी, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि जिस प्रकार से लास्ट 1.5-2 साल में, मैं किसी आज व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं करूंगा, पर जो एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, एक मैसेज जो पीपल में जो देना होता है कि आपका विरोधाभास कितना है, जो हमारे एक है जो थे कम्युनिटी जिनके नाम में राम है, वो सनातन के जब अपमान हो रहा था तो हमको ये कहा गया कि आप चुप रहिए, देश के नाम का एक गठबंधन बनाया गया पर उसमें देश विरोधी ताकतों को जोड़ा गया। जिस केजरीवाल जी को कांग्रेस पार्टी ने आज खालिस्तान के साथ जुड़े होने के आक्षेप किए, वो चुनाव का पूरा में इंचार्ज था पंजाब में, आज ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उनके उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के लिए? इतना बड़ा विरोधाभास नहीं हो सकता है। आज देश के सामने आप जाते, आपका नैरेटिव बहुत क्लियर होना चाहिए। जिस ईवीएम के कारण आप 2 चुनाव जीते हैं, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, और ऐसे कितने विरोधाभास है, मैं आपको बोले उतने विरोधाभास नाम करने को तैयार हो। हर जगह पे आपकी जो पॉलिसी है, आप लेफ्ट पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, वो देश के खिलाफ है, कौन सी बात कर रहे हैं भाई साहब? आप सीए की बात कर रहे हैं, वो जो कायदा था जो कांग्रेस ने मांगा था कि इट इज फॉर गिविंग सिटीजनशिप, आप उसका विरोध कर रहे हैं। कल एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि नहीं, हम तो मध्यम वर्ग के ऊपर टैक्स लगा दे, कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं। सो ऐसे इतने एग्जाम्पल के, जब तक आपका हर चीज में विरोधाभास रहेगा, कैसे देश आप पे भरोसा करेगा? और आप आपकी गाड़ी पीछे के मिरर में देख के नहीं चला सकते हैं, आपको फ्रंट देखना पड़ेगा, कौन सा विजन है। आज जब मोदी जी बात करके 2047 में हाइड्रोजन मिशन की बात करें, वंदे भारत की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सोलर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, कौन सा विजन? मैं भी युवा हूं, मैं यहां पर राजनीति में कुछ देने के लिए आया हूं, अगर विजन ही नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी एक चुनाव नहीं लड़ा, अगर वो पार्टी का विजन तय करेंगे तो याद होगा। तो विनम्रता से मैं किसी व्यक्तिगत टिप्पणी में, जिस पार्टी ने 15 साल मुझे मौका दिया, मैं नहीं करूंगा, पर कहीं ना कहीं जो दिशा विहीनता के कारण, जो उनकी विश्वसनीयता चली गई है विरोधाभास के कारण, उसके आज ये मैं निर्णय ले रहा हूं, बात खत्म, नेगेटिव बात नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में जो भी पार्टी
जिम्मेदारी देगी, दिल से निभाएंगे, दिमाग से निभाएंगे और राष्ट्र निर्माण में जो भी योगदान होगा एक भारत देश के नागरिक के नाते, ये योगदान युवा होने के नाते दिल से इस योगदान को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा निवेदन है श्रीमती परमपाल कौर जी से, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की पूर्व अधिकारी रह चुकी हैं, संबोधित करें। मैं धन्यवाद करती हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह।